Yes, good morning, students. Today I am starting new chapter. The name of this chapter is Natural Vegetation and Wildlife, hai na? Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. So, we are going to study natural vegetation and wildlife. What do you understand by natural vegetation? I have taught you, na? Natural vegetation. And the trees and plants that grow and by the nature. Without human interference, hai na? Vegetation which grows without any human interference is called natural vegetation. क्योंकि हम जैसे आप देखते हो बहुत जगह आप देखते हो पेड़ पौधे उगे रहते हैं, कोई पानी डालते हुए देखा है किसी को? नहीं देखा ना? तो वो naturally grow होते हैं, मतलब जो भी nature से उन्हें मिलता है raining और जो भी, हम उसके लिए कोई human interference नहीं होता उसमें. तो उसी के बारे में पढ़ेंगे. और वाइल्ड लाइफ, ये डिपेंड करता है कि जैसे वाइल्ड लाइफ है हर एरिया में अलग अलग तरह के, जैसे जो एनिमल्स हैं स्पीसीज़ हैं वो हर क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस मतलब किस जगह रह पा रहे हैं, ठीक है, सरवाइव कर पा रहे हैं. तो इज़ इट विजिबल बेटा? यस मैम. यस मैम. ओके. When we talk about the beauty of our country, it includes the description of the natural vegetation, landscape, weather condition, flora and fauna. जब भी हमारी कंट्री की ब्यूटी की बात चलती है तो ब्यूटी में क्या क्या इंक्लूड रहता है, कौन कौन से descriptions होते हैं? एक तो natural vegetation and landscape, weather conditions, flora and fauna. ये हमारे कंट्री की ब्यूटी को और भी ब्यूटी को बढ़ा देता है. Wide variety of vegetation and wildlife is found in different parts of our country. Alag alag tarah ki variety, alag alag tarah ke different different species, vegetation, wildlife hamare different part of country mein paaye jaate hain. Let us learn more about relationship among altitude, temperature, rainfall condition, vegetation as well as wildlife of different areas of India. Ab hum is mein sikhenge ki jo relationship hai altitude, temperature, rainfall conditions, vegetation, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया, इसमें हम देखेंगे कि ये इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, आपस में कैसे ये इंटरकनेक्टेड है. तो प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस कंप्राइज द नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन की परफेक्ट डेफिनेशन है, यू कैन अंडरलाइन द, ठीक है. Plants that grows naturally without any human interference comprise natural vegetation. Bina kisi human interference ke. The growth of natural vegetation depend upon several. Ab natural vegetation kis pe depend karti hai? To bahut sare factors hai. Bhai temperature. Ab Rajasthan mein aap dekhoge kaante wale, zyadatar kaante wale ped ya shrubs ya tree. जिसे मैंने क्लास में केकड़ी खेजड़ी ये सब हमारे राजस्थान में पाया जाता है. तो यहाँ पे जो क्योंकि रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती तो वो क्या करते हैं, जो कांटे होते हैं ना उसमें रिटेन कर लेते हैं मॉइस्चर को, तो वो ग्रो होते हैं. तो डिपेंड करता है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सनलाइट है, सॉइल है, हाइट अबव सी लेवल है, ठीक है. इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. नेचुरल वेजिटेशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, थोनी श्रब्स एंड डेजर्ट. तो ये जो ये सारे फैक्टर्स हैं ये वेरी करते हैं रीजन टू रीजन. जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको क्लासिफाई किया हुआ है किसके रूप में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, थोनी, कांटेदार जिसे कहते हैं ना श्रब्स, और डेजर्ट. तो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट कितने तरह के होते हैं. फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, मेडिटेरियन और कॉनिफेरस, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं.
फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया हुआ है. ग्रासलैंड टू टाइप्स की होती है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल. डेजर्ट टुंड्रा एंड थोनी, कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट वी कैन से. एरियाज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन प्रमोट ग्रोथ ऑफ ट्रीज विल हैव फॉरेस्ट कवर. ऐसे एरिया जिसमें टेम्परेचर रेनफॉल कंडीशंस क्या करती है, ट्रीज़ की ग्रोथ को, मतलब अगर ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे रेनफॉल अच्छी है, वेदर कंडीशंस ठीक है. ठीक है, और ऐसे ही ट्रीज़ फॉरेस्ट कवर को, फॉरेस्ट कवर करते हैं, मतलब बड़े बड़े ट्रीज़ होंगे. इन दीज रीजन वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ लो, द वेजिटेशन कवर विल बी ऑफ ग्रासेस. जहाँ पे रेनफॉल का अमाउंट कम होगा, है ना, जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ होंगे, प्लांट्स होंगे. जहाँ पे रेनफॉल का अमाउंट कम होगा, लो होगा, वहाँ वेजिटेशन कवर ग्रासलैंड के, ग्रासेस के रूप में होगी. रीजन ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस आर कॉल्ड डेजर्ट. जहाँ पे एक्सट्रीम ड्राइनेस है, अपना राजस्थान भी है, वहाँ पे डेजर्ट होगा. एंड वेजिटेशन कवर विल कंसिस्ट ऑफ थोनी. वहाँ पे क्या होंगी, थोनी श्रब्स होंगी, मोसेस होंगी. ये क्या करते हैं, अपने मॉइस्चर को रिटेन करके रहते हैं थोन में. द वाइल्ड लाइफ ऑफ एनी रीजन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट लाइफ ऑफ द रीजन. जो वाइल्ड लाइफ किसी भी रीजन की, प्लांट लाइफ और उसके रीजन, मतलब कुल मिला के ये जो फैक्टर्स हैं कि वाइल्ड लाइफ भी जैसे डिपेंड करते हैं कि प्लांट लाइफ क्या है. जैसे अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ होती है, कार्निवोरस हर्बीवोरस आप पढ़ चुके हो, तो जहाँ पे जिसकी नीड्स फुलफिल हो रही है वहाँ पे वही स्पीसीज पाई जाती है. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट मेनली डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द रिलीफ फीचर ऑफ एनी रीजन. जो फॉरेस्ट की ग्रोथ है, फॉरेस्ट कैसे उसकी ग्रोथ होती है, इस डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है. और रिलीफ फीचर किसी रीजन का, हाँ गुड मॉर्निंग, ये डिपेंड करता है फॉरेस्ट की ग्रोथ पे. वाइल्ड लाइफ एंड इट्स वेराइटी इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द नेचुरल फॉरेस्ट कवर. और जो वाइल्ड लाइफ है या वेराइटी है वो डिटरमाइन करती है नेचुरल फॉरेस्ट कवर पे कि फॉरेस्ट कवर कैसा है, उनकी क्या वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज है, वेराइटी है, उनकी क्या मतलब वो डिटरमाइन करते हैं, उस पे डिपेंड करता है. सो द वाइल्ड लाइफ वेरीज विद द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर. जो वाइल्ड लाइफ है वो वेरी करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर पे. द फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. जो फॉरेस्ट हैं वो डिवाइड हुए हैं. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक्स वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो उस रीजन में पाए जाते हैं, उन ट्रॉपिक्स में जहाँ पे की क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होती है ना. ये पूरे साल जो यहाँ के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो हॉट एंड ह्यूमिड रहती है थ्रू आउट द ईयर. हॉट एंड ह्यूमिड ये याद रखना एवरग्रीन फॉरेस्ट में. रेनफॉल इज हैवी, रेनफॉल हैवी होती है जो प्रमोट करती है थिक ग्रोथ ऑफ फोलिएज. पत्तियाँ, मतलब बहुत पत्तियाँ, बहुत हरी हरी पत्तियाँ, गहरी पत्तियाँ, ट्रीज़ ग्रो वेरी टॉल. ट्री यहाँ पे जो होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में. और जो लीफ हैं वो बहुत ब्रॉड लीफ होती हैं, लीव्स होती हैं. सेवरल वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ कैन बी फाउंड. बहुत अलग अलग तरह के जो पेड़ हैं यहाँ पे पाए जाते हैं. द थिक कैनोपी ऑफ ट्रीज़ डू नॉट अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड फॉरेस्ट आर डार्क इवन ड्यूरिंग डे टाइम. अब क्या होता है, जब टॉल टॉल ट्रीज़ हैं, है ना, प्लांट्स हैं, टॉल हैं, ब्रॉड लीव्स हैं, तो क्या करते हैं, जो सन रेज है ना उसको ग्राउंड तक पहुँचने ही नहीं देती. एक कैनोपी, आप कैनोपी देख सकते हो, कैनोपी इस तरह से तैयार हो जाती है. अब यहाँ पे सन रेज आई तो यहाँ पे ही रुक जाएंगी ना, नीचे तक नहीं पहुँचेंगी. तो क्या होता है, हाँ, कैनोपीज जो ट्रीज़ की बन जाती है वो सनलाइट को अलाउ नहीं करती ग्राउंड तक रीच करने के लिए. तो अपन को कैसा फील होगा, अपन को डार्क,
काला काला सा फील होगा, है ना। दिन में भी अपन को ऐसा लगेगा जैसे रात हो रही है। तो कौन कौन से ट्रीज यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं? हार्डवुड ट्री, महोगनी, रोजवुड, एबोनी, ये कॉमन है। बट कमर्शियल यूटिलाइजेशन इज डिफरेंट बिकॉज सेवरल स्पीसीज आर फाउंड इन ए स्मॉल एरिया। लेकिन इनका जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट होता है क्योंकि बहुत तरह की स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इस तरह का आप देख सकते हो। ये सन हल्का हल्की सी रोशनी आ रही है, बिल्कुल डार्क लग रहा है या नहीं लग रहा है ना? लग रहा है ना? तो अब यही वाला है ना चैप्टर। यस मैम। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन ज़ायर बेसिन इन अफ्रीका, अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड इन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इन ये जो फॉरेस्ट बेसिकली कहाँ किस रीजन में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मैम, आपकी आवाज आना बंद हो गई। यस मैम। ठीक है, अब आ रही है? हाँ। तो हाँ, जो फॉरेस्ट वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ। ज़ायर बेसिन अफ्रीका में पाए जाते हैं, अमेजोन बेसिन साउथ अमेरिका में और साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया में ये जो मैम वापस बंद हो गई। आपकी आवाज वापस हो गई मैम। यस मैम। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ट्रॉपल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे मिलती हैं वो है बहुत तरह की मिलते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स ड्वेल हियर। बहुत तरह के एनिमल्स मिलते हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, यहाँ पे रहते हैं। एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस, जैगुआर्स, चिंपैंजीज, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन को आपको मैंने बताया था क्लास में कि आपको ये मैप बनाना है, ये आपको वर्ल्ड मैप पे बनाना होगा, ये आपकी बुक में मेंशनड है, आप बना लेना। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ये ट्रॉपिकल जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ये उन एरिया में पाया जाता है जहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होती है। मॉनसून क्लाइमेट होती है वहाँ पाया जाता है, वहाँ होता है ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वहाँ कहते हैं। देयरफॉर दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट। इसीलिए जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इसको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर कंपेरेटिवली लेस डेंस देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ये थोड़ा लेस डेंस होता है, मतलब जैसे आपने वो एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा ना, बहुत डेंस होता है, बड़ी बड़ी पत्तियां और बहुत पेड़ पौधे, ये थोड़ा सा लेस डेंस होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट से, थोड़ा सा कम डेंस होता है। और यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते रहते हैं, सीजन चेंज होते रहते हैं। ट्रीज आर ऑफ मीडियम हाइट एंड शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर। जो मीडियम हाइट है इनकी, जो वो टॉल टॉल जो पेड़ नहीं होते, मीडियम हाइट होती है, ये इनकी पत्तियाँ शेड होती हैं ड्राई सीजन में। इनकी पत्तियाँ भी पतझड़ में जिसे कह सकते हैं अपन, शेड होती हैं और वाटर कंजर्व करती हैं। दीज देयर इज अ थिक अंडरग्रोथ ऑफ बुशेज, श्रब्स एंड डेंस थिकेट्स ऑफ बैम्बूज। जो थिक अंडरग्रोथ इनकी थिक होती है क्योंकि सूर्य की रोशनी अब पूरी सीधी पड़ती है, तो जो अंडरग्रोथ है वो थिक होती है, बुशेज होती हैं, श्रब्स होती हैं और बैम्बूज होते हैं। और यहाँ पे जो बेसिकली ट्रीज पाए जाते हैं वो हार्डवुड ट्रीज है, सेल, टीक, नीम, शीशम, यूकेलिप्टस, यहाँ पे इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ये अंडरलाइन कर लेना।
ठीक है ओके मैम ठीक है. These trees have great commercial value. इनकी भी बहुत commercial value है. Furniture तैयार होता है इनसे और transport के काम में आता है. Construction material यहाँ से मिलता है तो ये बहुत important है. These forests are found in the Indian subcontinent. ये कहाँ पाए जाते हैं? Indian subcontinent में, ठीक है? और थाईलैंड में, वियतनाम में, ताइवान में, सदर्न चाइना, सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में ये बेसिकली पाए जाते हैं. द वाइल्ड लाइफ फाउंड हेयर इंक्लूड्स टाइगर्स. यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कौन कौन है? टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, राइनोसोर्स, लंगूर्स, मंकीज, डियर एंड वेराइटी ऑफ स्नेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं. थर्ड अपन पढ़ रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट इन वार्म टेम्परेट रीजन. ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, वार्म टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है. दे आर फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑल्सो इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. दीज आर मिक्स फॉरेस्ट विद बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज. इसमें दोनों सॉफ्ट ट्रीज भी होते हैं और हार्ड ट्रीज भी होते हैं, है ना, दोनों इसमें वैरायटी मिलती है. द मेन स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है वो ओक, पाइन, वेटल, कैम्फर, मलबरी, यूकेलिप्टस यहाँ पे पाया जाता है. स्पीसीज जो चीज़ें पाई जाती हैं वेजी. दीज ट्रीज हैव गुड कमर्शियल वैल्यू. इनकी भी बहुत कमर्शियल वैल्यू है. जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे मिल पाया जाता है वो जायंट पांडा यहीं पे मिलता है, डियर, एंटीलोप्स, मंकीज, बियर्स, वॉल्व्स एंड वैरायटी ऑफ बर्ड्स पाई जाती है. नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द हायर लैटिट्यूड इन कूल टेम्परेट रीजन. ये जो फॉरेस्ट है वो हायर लैटिट्यूड कूल टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे ठंडा होता है और हायर लैटिट्यूड में होता है. दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ USA, नॉर्थ ईस्टर्न USA के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ चाइना, जापान, नॉर्थ साउथ कोरिया, सदर्न चाइल्ड एंड न्यूजीलैंड में ये पाया जाता है टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट. द ट्री दो नॉट वेरी टॉल, यहाँ की ट्री टॉल नहीं होती, हैव थिक ट्रंक्स. ट्रंक्स इनके थिक होते हैं, जो ट्रंक्स होते हैं ना वो बहुत थिक होते हैं, ब्रॉड लीव्स होती है. दिस शेड देयर लीव्स इन द ड्राई ड्राई सीजन में भी अपनी लीव्स को शेड करते हैं. द कॉमन स्पीसीज आर, यहाँ पे जो कॉमन स्पीसीज है वो ओक, एश, बर्च, मैपल, पोपलर, रेडवुड एंड फर्ज, डियर, फॉक्सेस, बियर्स, वोव्स, बिसेंट, बीवर्स एंड वाइल्ड कैट्स आर कॉमनली फाउंड एनिमल इन दीज फॉरेस्ट. बर्ड्स लाइक प्लेजेंट मोनाल्स आर यहाँ पे जो बर्ड्स पाई जाती हैं, स्पेशल जो बर्ड्स हैं वो पाई जाती हैं. नेक्स्ट है मेडिटेरियन वेजिटेशन. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट इन द वार्म टेम्परेट रीजन. ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो वार्म रहता है. दीज एरियाज हैव ड्राई समर्स एंड रेनफॉल अकर्स इन द विंटर सीजन. यहाँ पे समर्स कैसी होती हैं? ड्राई, कोई रेनफॉल नहीं. यहाँ पे विंटर सीजन में रेनफॉल होती है. ट्रीज जो होते हैं यहाँ के हैव ब्रॉड वैक्सी लीव्स. जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स वैक्सी लीव्स होती हैं और थिक बाग्स होते हैं. बाग्स मतलब होते हैं ना जिसे अपन कह सकते हैं छाल, है ना, वो थिक होते हैं. और लॉन्ग रूट्स होती हैं, लंबी लंबी रूट्स होती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश बहुत कम मिलती है तो ये रूट्स में वाटर को रिटेन मॉइस्चर करके रखते हैं. और ये जो थिक बाग्स हैं इसमें के अंदर ये वाटर रिटेन करके रहता है. तो दिस हेल्प देम टू विदस्टैंड द ड्राई समर पीरियड. इसी वजह से ये समर पीरियड में विदस्टैंड रहते हैं, खड़े हुए रहते हैं. द मेन ट्रीज आर ऑलिव. यहाँ जो मेन ट्रीज पाए जाते हैं वो है ऑलिव, कॉक, ओक, फिक्स, पाइन, सिडार, साइप्रस, साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज. साइट्रस फ्रूट भी यहीं होते हैं, खट्टे जिसे कहते हैं ना, खट्टे फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन, ऑलिव, ग्रेप्स. द नेचुरल वेजिटेशन
Vegetational cover has been replaced by large scale fruit orchards, hence not much wildlife is found here. बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहाँ पर नहीं मिलती है, यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन भी कम मिलता है. फ्रूट्स के जो कहते हैं ना बड़े बड़े फ्रूट फ्रूट के बागान, वो यहाँ पर पाए जाते हैं. इट इज़ फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैलिफोर्निया, इन द USA, सेंट्रल चाइल्ड, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पाए जाते हैं ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. नेक्स्ट एंड लास्ट आई थिंक कॉनिफेरस. दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन लैटिट्यूड 50 डिग्री नॉर्थ 70 डिग्री नॉर्थ. ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये 50 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा, इनको टाइगा के नाम से भी जाना जाता है. एंड ऑल्सो फाउंड इन द हायर एल्टीट्यूड, ये हायर एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, हाई माउंटेन्स रेंजेज में, जैसे हिमालय हो गया, एल्प्स, इन सब में. फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में. दे लाई इन पार्ट्स ऑफ अलास्का, कैनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, रशिया, साइबेरिया. ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट, यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, विथ स्मॉल नीडल लाइक लीव्स. और नीडल लाइक नीडल आपने देखा होगा, बिल्कुल नीडल जैसी लीव्स कभी आपने अगर पिक्चर में देखा होगा, तो इसमें तो नहीं दे रखा है, नीडल लीफ होती है इनकी. दीज ट्रीज आर सॉफ्ट वुड ट्रीज एंड आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कमर्शियली बिकॉज पल्प ऑब्टेन फ्रॉम दीज ट्रीज इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट. जो ट्रीज़ होते हैं यहाँ पे सॉफ्ट वुड ट्रीज़ होते हैं और ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, और ये कमर्शियली इनकी वैल्यू काफ़ी होती है क्योंकि जो पल्प इनसे मिलता है, इन ट्रीज से, उससे मैन्युफैक्चर होता है पेपर और न्यूज़ प्रिंट. इसी फॉरेस्ट में जो मिलता है पल्प, उससे ही पेपर और न्यूज़ प्रिंट मैन्युफैक्चर होता है. द वुड इज़ ऑल्सो यूज, वुड भी यूज़ होती है फर्नीचर बनाने के लिए, मैच स्टिक्स के लिए, प्लाईवुड्स के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए. चर, पाइन, सिडार, फिर, स्प्रूस, ये मेन स्पीसीज हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट की. द कॉनिकल शेप ऑफ द ट्री इज बेस्ट सूटेड टू द क्लाइमेटिक कंडीशन एज इट अलाउज स्नो टू स्लाइड डाउन द लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ दिस ट्री. जो कॉनिकल शेप होती है ना, जैसे कॉनिकल शेप आप मान सकते हो, ठीक है, अब ये कॉनिकल शेप होती है, ठीक है, कोन जैसे बनता है. तो कोन जब बनता है तो क्या होता है, जो आइस पड़ती है वो आसानी से फिसल जाती है, ठीक है, स्नो वहाँ पे रहेगी तो गल सकता है, तो ये स्लाइड डाउन हो जाती है लीव्स पे से, ब्रांचेस पे से, ठीक है. तो यहाँ पे जो पाया जाता है वो है सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलार बियर, सेबल एंड बीवर्स, यहाँ पे कॉमनली इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ दिस हैव थिक कवर ऑफ फर, थिक कवर ऑफ फर यहीं से मिलता है. कैरिबू, रेनडियर, वोल्व्स यहाँ पे पाए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी टुमारो, ग्रासलैंड एंड वाइल्ड लाइफ. ओके मैम, ओके देन, बाय बाय मैम.